हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को मेरे YouTube चैनल में आप सभी को स्वागत है। तो आप लोग देख सकते हैं माँ भगवती यानी माता दुर्गा का कलश यात्रा का कार्यक्रम रखा गया है। हमारा केशवपुरी मेला दशहरा ग्राउंड में ये मंदिर है, तो यहाँ से कलश उठते हैं। तो देख सकते हैं कलश एकदम सज के तैयार है। सभी कलश पे देख सकते हैं आप लोग चुन्नी बन के तैयार हो गया। अब देखिए कलश उठाने के लिए माँ भगवती का डोली यानी कि माता दुर्गा का डोली आगे निकल गया है। अब देखिए इनके पीछे सभी कलश आएंगे, तो देख सकते हैं इसमें डोली बाहर माई का कहार होता है, तो वो दो है। इसमें दोनों भक्तजन आगे पीछे अपना माता जी का डोली को कंधे पे लेके और अपना आगे के बढ़ रहे हैं। तो देख सकते हैं आप लोग आगे बढ़ना शुरू हो गया है। तो देखिए आप लोग माता रानी से यही दुआ करूँगा कि सभी भक्तजन को आशीर्वाद दे और भक्तजन ऐसे मिलजुल के कार्य करते रहें। तो देखिए पहला प्रधान कलश जिसे बोलते हैं उनका कलश रखा गया है। अब वो आगे की ओर जा, उनके पीछे सभी कन्या लोग एक एक करके बेराबेरी करके आगे बढ़ते रहेंगे और देख सकते हैं आप लोग। तो देखिए एकदम कलश भरपूर मात्रा में माता रानी के दुआ है, सभी लोग उठा रहे कलश। देखिए नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे भी बहुत ही खुशी से एकदम कलश उठा रहे कि माता रानी से आशीर्वाद लेंगे। तो देखिए आप लोग इसमें सभी लोग अपने ग्राम पंचायत का जितने लोग थे, बड़े वरिष्ठ यानी कि बड़े बड़े पदाधिकारी पे सभी लोग आए थे। देखिए ब्रिज भूषण गुरेला जी भी आए थे जो हमारा क्षेत्र का विधायक है। तो देखिए आप लोग इसमें बने रहिए और देखिए इसमें लोग बहुत ही भीड़ हो गए थे, तो कलश लेने के लिए थोड़ा बाताबाती होना शुरू हो गया था। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप लोग देखिए माता रानी के कलश अब एक एक करके जा रहे हैं और सभी लोग एकदम माता रानी के कलश यात्रा के साथ सभी लोग बैठे रहेंगे, चलते रहेंगे और एक एक करके सभी लोग पहुँचेंगे। तो माता रानी के कलश को सभी लोग भव्य स्वागत करते हैं और आप लोग से अनुरोध है कि मेरे वीडियो को देखते रहिए। तो देखिए सभी कलश एक एक करके आ रहे हैं और उसके बाद सभी लोग आगे बढ़ते रहेंगे जिससे कि भीड़ भी होता है। हमारी ज्योति मैम भी आ रखे थे जो पत्रकार करते हैं पत्रकारिता। तो देखिए भैया भी बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं ये माता रानी के कलश यात्रा में सभी लोग आए हैं। तो देखिए ये लोग एक एक करके बेराबेरी करके सब निकल रहे हैं जिससे कि इनकी लंबी लाइन लग जाती है और सभी लोग एकदम लाइन बारी से चलते हैं। और देखिए इसमें भैया लोग कैमरा लेके फ़ोटो खींच रहे हैं, मोबाइल लेके अपना फ़ोटो खींच रहे हैं। तो देखिए आप लोग से अनुरोध है कि जब भी कलश यात्रा कहीं भी निकले तो उनको आप लोग सपोर्ट कीजिए और सभी व्यवस्था बनाइए जिससे कि वो लोग भी खुश रहे, एकदम अच्छे से कार्य करें। तो देखिए छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने कन्या लोग कितने खुशी की बात है कि ये लोग कलश उठाए थे, कितना अच्छा लग रहा है। तो आप लोग देखिए और एक एक कन्या करके कलश दे रहे हैं और सभी कन्या अपना अपना कलश लेके आगे बढ़ रहे हैं जिससे कि उनको लाइन लगने में दिक्कत ना हो। और सभी लोग और देख सकते हैं आप लोग कन्या कितने आगे हैं और देखिए कन्या लोग कितना खुश है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि माता रानी की दुआ है कि सभी कन्या लोग एकदम अच्छे से जा रहे हैं और एकदम कलश उठा रहे हैं। तो देखिए कलश में थोड़ा बहुत बदतमीजी करने लग रहे थे लोग कि मेरे बच्चे का कलश नहीं मिला। तो ऐसा नहीं होता है क्योंकि कमेटी लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत बिजी रहते हैं क्योंकि सभी को देखना होता है। तो लोग बुरा ना माने, हर साल की भांति इस साल भी भव्य कलश यात्रा हुआ है क्योंकि हर साल एकदम कहते हैं केशवपुरी का कलश यात्रा बहुत अच्छे तरीके से चलते हैं। तो देखिए धूमधाम से होते हैं और देखिए छोटी कन्या को कितना खूब लग रहे हैं। देखिए अमित भाई जी आ रहे हैं, एंकर देख सकते हैं पीछे नरेश जी आ रहे हैं, रविंदर जी आ रहे हैं, एंकर देखिए सभी लोग खुश हैं एकदम कि आज माता रानी को आशीर्वाद मिलेगा कि हम लोगों को मौका मिला है कलश को सपोर्ट करने का। तो आप लोग देखिए वीडियो में बने रहिए, अब वीडियो पूरा मज़ा आएगा, मज़ेदार है, एकदम अच्छा लग रहा है। देखिए भाई लोग आप पूरा सपोर्ट कर रहे हैं जिससे कि माता रानी के कलश का शोभा यात्रा बहुत ही धूमधाम से मने। तो देखिए कितना खुशी की बात होता है कि माता रानी का जो भी कलश उठते हैं तो लोग बहुत ही उत्साह होते हैं कि मेरे भी बालक हो, मेरी भी बालकी हो जिससे कि मैं कलश उठवाऊँ। तो देखिए खुश नसीब माँ बाप होते हैं
जिनके घर में बेटी होते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर कलश कन्या से ही उठाया जाता है। और देखिए खुशी की बात कितना अच्छा लग रहा है, सभी कन्या लोग कलश उठा के अपना लाइन बारी से लगे पड़े हैं, जिससे कि एक भी कलश में इधर उधर का टच ना हो और देख सकते हैं। तो कलश चल रहे हैं, उसके पीछे उसके माँ बाप भी चल रहे हैं, जिससे कि कलश शोभा यात्रा का एकदम धूमधाम से चले। तो देखिए आप लोग बने रहिए लाइन में और सब लोग इंजॉय कीजिए। हमें बहुत खुशी हुआ कि जब भी माँ भगवती का कलश उठता है तो हमें बहुत दिल से दुआ है कि सभी भक्तजन को मेरे तरफ से दुआ लग जाए। माता रानी से यही बात कहूँगा मैं कि सभी कन्या को हिम्मत दे, हर साल ऐसे ही कलश उठाता रहे और वो लोग बढ़ता रहे आगे। तो देखिए आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो में। और देखिए कितनी लंबी लाइन है भैया, एकदम कलश यात्रा शोभा यात्रा बहुत ही खतरनाक है। तो आप लोग देखिए पूरा एंजॉय कीजिए। और देख सकते हैं भाई लोग और कमेटी मेंबर कितने अच्छे से अपना गाइडिंग कर रहे हैं। और देख सकते हैं बड़े बड़े लोग सब भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और देखिए भक्तजन और कितना खुशी बाग के बात है। और अपना अपना फेसबुक इंस्टाग्राम वीडियो सब अपलोड करते हैं कि माता रानी का ऐसा पर्व साल में एक बार आता है तो ये पर्व कैसे जाने दें। तो देखिए सभी कन्या के माँ बाप अपने अपने बच्चे के पास खड़े हैं, जिससे कि उनको भारी लगे कोई चीज़, जैसे कलश भारी लगे तो उनकी माँ बाप पकड़ सके, जिससे कि बच्चे को दिक्कत ना हो कोई चीज़ में। और देख सकते कन्या कितना खुश है, गर्मी भी लग रहे तो लोग पंखा डुला रहे, जो चीज़ मिल जा रही उसी चीज़ से। तो देखिए और सभी कन्या को माता रानी से यही दुआ करूँगा कि सभी कन्या खुश रहे, हिम्मत दे आप लोग को जो माता रानी इन सभी को एकदम हिम्मत से भर दे। तो देखिए आप लोग और कितना अच्छा लग रहा है, सभी भैया लोग और बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं जिससे कि ये लोग इन्जॉय कर सकें। तो आप लोग बने रहिए और देखिए दिए कलश यात्रा बहुत ही अच्छा लगता है। जब भी कहीं भी निकले सनातन धर्म जिसे कहते हैं हिंदू धर्म, तो हिंदू धर्म में ये त्यौहार होता है तो बहुत ही मायने रखता है। तो देख सकते हो भाई यार कितना अच्छा खुश है कि अपने अपने। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि मेंबर लोग बहुत ही खुश है और गार्डिंग कर रहे हैं कि जिससे कि सभी लोग एकदम सही सलामत चले। तो देख सकते हैं ये केशवपुरी के चौक पे हैं और चौक पे देख सकते हैं कितना भीड़ है। और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि माँ भगवती का कलश यात्रा चल रहा है। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में और इन्जॉय कीजिए। देखिए सभी कन्या लोग मुस्कुरा भी रहे हैं कि भाई कैमरा में हम आ रहे हैं। और देख सकते हैं कैमरा में फ़ोटो भी आ रहे हैं, इनका वीडियो भी आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आप लोग बने रहिए और देखते रहिए वीडियो पूरा। कार्यक्रम जो है एक इस ग्राम सभा के ओर से नहीं, एक परंपरा को देखते हुए और परंपरा के हिसाब से मनाया गया। और हम तो ये कहते हैं कि 21 वर्षों में काफ़ी तब्दीली हुआ है और आने वाले समय में भी अच्छा ही यहाँ का प्रोग्राम रहेगा। और कितनी बालिकाओं ने आज कलश यात्रा में भाग लिया है? आज कलश यात्रा में 200 यानी 201 या 200 मैन तो सामने गए तो मैं माँ दुर्गा की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को माँ दुर्गा पूजा संपन्न की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। दशहरा और दिवाली की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ के क्षेत्रवासियों ने बढ़ चढ़ कर माँ दुर्गा पूजा का